हेलो व्यूअर, कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव पीसीबी। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाया है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आप जो लोग भी ये एम्पलीफायर वगैरह क्रिएट करते हो या बनाना चाहते हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये हमने विंडो ओपन कर ली है, तो यहाँ पर हम सेटिंग वगैरह कर लेंगे। तो ये करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम इतना हिस्सा जो इसका पार्ट है वो इसके ऊपर काम करेंगे। मैं आपको पूरा एम्पलीफायर बनाना सिखाऊंगा, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें पहले आप सीखें ताकि आप उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें ऐड करें, फिर ही आपका एम्पलीफायर कम्प्लीट होगा। तो फिर आपका मेन पावर तक आपको लेके आऊँगा, फिर आपको डीसी सप्लाई का जो उसको इनपुट करनी होती है वो आपको सिखाऊंगा, फिर आपका पूरा एक कंप्लीट एम्पलीफायर बन जाएगा जो कि आप उसको आसानी से ट्रेस कर सकेंगे, उसको बनाना सीख पाएंगे, और अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो आप उसका फॉल्ट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप फॉल्ट तक नहीं पहुँचेंगे जो हम अपना एम्पलीफायर क्रिएट किया होता है तो आपको पता नहीं चलता। तो ये छोटे छोटे पार्ट आपको पता चलेंगे, फिर ही आप सीख पाएंगे कि यार मसला कहाँ पर आ रहा है। तो ये आज हम ये फिल्टर क्रिएट करने वाले हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इधर तो सिंपल नज़र आ रहा है, बनाने वक्त इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि लाइनें वगैरह निकालनी होती हैं, इधर तो बस ब्रीक लाइन होती है आपको जो नज़र आ रही है डायग्राम के अंदर, तो उधर ज़रा डिफरेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कनेक्टर, तो ये हमें 3 पिन वाला कनेक्टर मिल गया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए 10 UF का कैपेसिटर, इसी को हम कॉपी कर लेंगे। तो इसकी सेटिंग हमने चेंज करनी है, ये आप इसकी मुखालिफ करेंगे, इसको इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर हमें चाहिए माइलर 220 PF का, तो यहाँ पर हम ये लगा देंगे, सेम ये किधर ये लगा देते हैं। तो ये हमें रेजिस्टेंस चाहिए, इधर भी एक सेम कनेक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक इसका एरो बना देते हैं जिस सर्कल के अंदर हमने काम करना है।
ये आपका कटाई में काम आएगा। वैसे तो हम ये आपको जो सर्किट बनाया है ये आपको पूरे एम्पलीफायर के सर्किट के अंदर ही इसको ऐड कर देंगे, लेकिन इसको और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये इतना बड़ा बनाया, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ के अंदर, ये इसकी MM का साइज़ होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका छोटा सा बनता है। और अभी आपको ये दिखाता हूँ कि ये आपकी लाइनें बन गई हैं बैक साइड पे, ताकि आपको कटाई करने में ज़रा आसानी होती है, मसला नहीं पेश आएगा, ठीक है। आप इसकी लाइनें थोड़ी सी बारी कर सकते हैं, इसको मजबूती दे सकते हैं, आप इसका कॉपर का सारा कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आपको इसको जितना अच्छा करेंगे ये उतना अच्छा होता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के साथ नासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।